हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो आप देख रहे हैं सामने एक इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ अ इन्फ्यूजन पम्प। आज मैं इसकी डेमो एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें सिरिंज को आपको कैसे सेट करना है और वॉल्यूम को कैसे सेट करना है। इसमें मोस्टली जो है 50 ml की सिरिंज जो यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम इस सिरिंज का मॉडल इसमें सेलेक्ट करेंगे, कौन सी सिरिंज का ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं। तो दो तीन ब्रांड इसमें हम ऑलरेडी एडजस्ट कर रखे होते हैं तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और बिना सेलेक्ट करे भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम जो है इसका जो वॉल्यूम है डॉक्टर ने सेट किया है कि जैसे कि 10 ml पर आवर, तो उस अकॉर्डिंगली हम जो इसका वॉल्यूम सेट करेंगे। दिस इज़ अ प्लंजर। फर्स्टली आप नोब को नीचे को प्रेस करके प्लंजर को आउटसाइड रिमूव करेंगे और सिरिंज को इस अकॉर्डिंगली दोनों कनेक्टर्स के अंदर फिक्स करेंगे और प्लंजर के रिमूव करके इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, आफ्टर दैट जो आपका वॉल्यूम है वो जो आपके 3 decimal तक आप इसको सेट कर सकते हैं, जिसके कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग एरो इसमें विजिबल है, उस अकॉर्डिंगली आप अपना वॉल्यूम और आर्स जो है इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3.7 ml हमने सेट कर दिया है पर आर के लिए। और इस सिरिंज को आप रिमूव करने के लिए फिर से नोब को नीचे डाउनवर्ड प्रेस करके बाहर की ओर पुल करेंगे और मेडिसिन को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। फिर जैसे कि आपको 10, 20 या 30 ml अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से ही जो आपका जो डोज है 3.7 ml जो आपने सेट किया है उसी अकॉर्डिंगली जो है पेशेंट को डिलीवर होगा। सिरिंज के आगे हम IV सेट कनेक्ट करेंगे और पेशेंट को डिलीवर जो करेंगे 3-way कैनुला के साथ। आई होप आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए मेरे चैनल पे बने रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और इसको आगे भी शेयर करेंगे। थैंक यू।